हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल इक्वेशन विजर्ड। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं नया लेक्चर इसी चैप्टर का, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का, और आज हम सीखने वाले हैं थर्मल एक्सपेंशन। अब देखिए, थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है, इसके लिए समझने के लिए सबसे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। हम किसी भी सॉलिड को जब भी हीट करेंगे, मैंने बताया ना, जब भी हम CCV सॉलिड को हीट देंगे तो उसके मॉलिक्यूल्स के अंदर जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स लग रहा है वो डिस्टर्ब होगा, और वो किसी ना किसी एंगल पर किसी ना किसी फॉर्म में एक्सपेंड होंगे। और जितना भी एक्सपेंशन होगा थर्मली, हमने बताया किसी भी सॉलिड को गर्म किया, हीट किया, तो उसके अंदर क्या हुआ, थर्मल एक्सपेंशन, चाहे वो लेंथ वाइज हो, चाहे वो एरिया वाइज हो, चाहे वो वॉल्यूम वाइज हो। तो हम थर्मल एक्सपेंशन की सबसे पहले एक डेफिनेशन देखते हैं, क्या लिखा है, द इंक्रीज इन साइज ऑफ अ बॉडी। हमने टेम्परेचर बढ़ाया, मैंने बताया हम किसी भी मॉलिक्यूल की बात करें, कोई भी एक सिस्टम लें, उसके चार मॉलिक्यूल हीट देंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो इनके बीच में काम करने वाला इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स घटेगा या बढ़ेगा, या फिर इसके साइज में कुछ परिवर्तन आएगा, इसका साइज बदलेगा। और इसका साइज बदलेगा तो वो क्यों बदलेगा, क्योंकि हमने टेम्परेचर में इंक्रीमेंट किया, देयर इज अ थर्मल एक्सपेंशन, लाइक इंक्रीज इन द साइज ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इंक्रीज इन द टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से उसके साइज में बढ़ना ही कहलाया जाता है थर्मल एक्सपेंशन। बिल्कुल सिंपल है, बहुत सरल भाषा में समझिए, थर्मल मतलब टेम्परेचर इन्वॉल्वमेंट, एक्सपेंशन मतलब कुछ बढ़ना, थर्मली बढ़ना मतलब जब भी हीट दिए जाएगी टेम्परेचर बढ़ेगा तो उस बॉडी में उस सॉलिड की लीनियरली एरिया वाइज वॉल्यूम वाइज जो भी इंक्रीमेंट होगा उसको हमने बोल दिया थर्मल एक्सपेंशन। अब थर्मल एक्सपेंशन का सबसे पहले जो एग्जांपल है वो है लीनियर, इसके बाद हम पढ़ेंगे एरियल सरफेस पे जो होगा एग्जाम्पल, जो सरफेस पे एक्सपेंशन होगा सॉरी, फिर हम पढ़ेंगे वॉल्यूम वाइज एक्सपेंशन। तो सबसे पहले देखते हैं ये लीनियर एक्सपेंशन क्या होता है। लीनियर एक्सपेंशन को समझने के लिए हमने एक रॉड ली, इस रॉड ली क्या डेफिनेशन है इसकी, व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड एंड इट्स लेंथ इज इंक्रीज, जब भी हम किसी सॉलिड को ले और उसकी लेंथ में, वी आर हेयर अज्यूमिंग लेंथ वाइज इंक्रीमेंट, आई रिपीट, व्हेन एवर वी कंसिडर एनी सॉलिड एंड देयर इज सम इंक्रीमेंट इन द लेंथ, That means linear expansion. कहीं भी बुक में न्यूमेरिकल लिखा है कि हमने ये सॉलिड को हीट किया और उसकी लेंथ अब 2 मीटर के बजाय 5 मीटर हो गई, या 5 मीटर के बजाय 6 मीटर हो गई, या 6 मीटर के बजाय 10 मीटर हो गई, तो उसकी लेंथ में इंक्रीमेंट हुआ, इसका मतलब हम उस न्यूमेरिकल के अंदर लीनियर एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, लीनियर एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम उसकी लेंथ में इंक्रीमेंट की बात कर रहे हैं, राइट? चलिए देखते हैं, सबसे पहले हमने कंसिडर करी एक ये लेंथ, इसकी ओरिजिनल लेंथ है सपोज L नॉट, हमने एक लेंथ कंसीडर करी, L नॉट लेंथ की एक रॉड को कंसीडर किया, इसको हीट करने के बाद इसके टेम्परेचर में चेंज हुआ और इसकी बढ़ी हुई हाइट हुई डेल्टा L, यहां से यहां जो उसकी हाइट बढ़ी वो बढ़ गई डेल्टा L, तो उसकी बढ़ी हुई हाइट कितनी हुई, पहले हाइट कितनी थी L नॉट, अब बढ़ती कितनी हो गई डेल्टा L, तो नई हाइट कितनी हो गई L प्लस डेल्टा L, क्या यार समझ में, फिर से एक बार देख लेते हैं, कोई जल्दी नहीं है, बहुत ध्यान से पढ़ना है, धीरे धीरे पढ़ना, और मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जब हम सब ये सब डिटेल डेरिवेशंस पढ़ रहे हो तो आप अपने पास प्लीज एक कॉपी और एक पेन रखा करें, क्योंकि एकदम से चला जाएगा दिमाग में से उड़ जाएगा बिल्कुल हवा की तरह अगर आप इसे कहीं नोट नहीं करोगे तो देखो ध्यान से देखो, हमने कहा हम लीनियर एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, लीनियर मतलब उसकी लेंथ में इंक्रीमेंट है, हमने एक सॉलिड बॉडी ली और उस बॉडी की लेंथ जो गिवन है L नॉट, L नॉट इज अ गिवन लेंथ, हमने गिवन L नॉट लेंथ को गर्म किया, हीट किया और उसकी लीनियर जो लेंथ बढ़ी वो हो गई डेल्टा L, बढ़ी हुई, तो नई लेंथ कितनी हुई, जितनी लेंथ पुरानी प्लस चेंज इन लेंथ, यानी कि L नॉट प्लस डेल्टा L, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं क्या करना है, अब हम लीनियर एक्सपेंशन के मैथमेटिकल फॉर्मूला को जनरेट करने वाले हैं और देखते हैं वो क्या होगा। तो भैया हमने देख लिया जो चेंज इन लेंथ है डेल्टा L, वो दो चीजों पर डिपेंड करता है, सबसे पहला तो
ओरिजिनल लेंथ पे। भैया जो डेल्टा एल है वो ओरिजिनल लेंथ पे डिपेंड करेगा ना करेगा, उससे भी पहले किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे, डेल्टा टी पे, कि तुमने उसे कितना टेम्परेचर दिया। मैं कह रहा हूं ये ओरिजिनल लेंथ है 3, अब ये बढ़ के अगर 5 हो जाए, ये 3 मीटर से 5 मीटर हो जाए, तो जो बढ़ा हुआ 5 मीटर है वो किस पे डिपेंड करेगा, पहले तो इनिशियल लेंथ पे डिपेंड करेगा कि पहले उसकी लेंथ कितनी थी, और दूसरा हमने उसे कितनी हीट दी। हम अगर कम हीट देंगे तो कम बढ़ेगी, ज्यादा हीट देंगे तो ज्यादा बढ़ेगी। तो हमारी डिपेंडेंसी डेल्टा एल की निकल के आई 2 चीजों पे, यानी कि चेंज इन लेंथ डिपेंड्स अपॉन 2 थिंग, नंबर 1 एल नॉट, यानी कि उसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी थी पहली बात, और दूसरी उसकी टेम्परेचर में कितना चेंज हुआ, यानी डेल्टा टी। आई रिपीट, डेल्टा एल यानी कि चेंज इन लेंथ विल डिपेंड अपॉन 2 थिंग्स, नंबर 1 ओरिजिनल लेंथ व्हिच इज हियर इज एल नॉट, नंबर 2 इट डिपेंड्स अपॉन चेंज इन टेम्परेचर, दैट इज डेल्टा टी। और डिपेंड्स किस फॉर्म में कर रहा है, वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर जितनी उसकी ओरिजिनल लेंथ ज्यादा, उतना ज्यादा उसकी लेंथ में चेंज, जितना उसको हम टेम्परेचर ज्यादा देंगे उतना ज्यादा उसकी लेंथ में चेंज। तो क्या बात समझ में आ रही है, जितनी लंबी रॉड को जितना ज्यादा टेम्परेचर, उसका चेंज इन टेम्परेचर उतना ज्यादा। दीज टू टर्म्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन लेंथ। अब इसको अगर एक साथ लिखते हैं तो ये बन गया एक साथ फॉर्मूला, डेल्टा एल विल बी प्रोपोर्शनल टू एल नॉट डॉट डेल्टा टी। अब अगर कोई दो वस्तु, कोई दो एलिमेंट, कोई दो पैरामीटर, कोई दो स्टेट ऑफ प्रोसेस किसी भी चीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और उसको खोलेंगे तो एक प्रोपोर्शनलिटी इंडेक्स निकल कर आएगा, उसको हमने लिख दिया अल्फा। इसका प्रोपोर्शनलिटी इंडेक्स डेल्टा टी और एल नॉट के साथ जब खोला तो निकल कर आया नया प्रोपोर्शनलिटी इंडेक्स, इसको बोला अल्फा, जिसको नाम दिया कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। हम लीनियर की बात कर रहे हैं ना, हम लेंथ में इंक्रीमेंट की बात कर रहे हैं ना, हमने पहले बताया लेंथ में इंक्रीमेंट किस पे डिपेंड करता है, ओरिजिनल लेंथ के, दूसरा डिपेंड करता है चेंज इन टेम्परेचर के, दोनों को एक साथ रखा, इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी इंडेक्स को खोला तो निकल गया है अल्फा, और अल्फा क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। और ये अल्फा किस पे डिपेंड कर रहा है, इस पे डिपेंड कर रहा है, देखते हैं अल्फा को हमने इस मैथमेटिकल फॉर्मूले से यहां से अल्फा को लिखा, अल्फा को इधर ले जाओ तो डेल्टा एल डिवाइड बाय एल नॉट इनटू डेल्टा टी, ठीक है भाई, अल्फा यहां का रहेगा तो डेल्टा एल को डिवाइड बाय इधर ले जाएंगे एल नॉट और मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन डेल्टा टी। ये फॉर्मूला निकल गया है अल्फा का, और यूनिट क्या हुई, देखो ये भी लेंथ, ये भी लेंथ, तो लेंथ से लेंथ खत्म, 1 अपॉन सेल्सियस, 1 अपॉन सेल्सियस क्या लिख सकते हैं, सेल्सियस की पावर -1, और अगर एब्सोल्यूट टेंपरेचर में लिखेंगे, केल्विन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, केल्विन की पावर -1। बहुत बढ़िया, अब हम ये समझ चुके हैं कि थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है। थर्मल एक्सपेंशन मतलब किसी बॉडी को टेंपरेचर दो और टेंपरेचर देने के बाद अगर उसकी बॉडी में कुछ चेंजेस हो तो वो उसका थर्मल एक्सपेंशन है, और अगर कोई सॉलिड लेंथ वाइज एक्सप्लेन हो रहा है, लेंथ वाइज एक्सपेंड हो रहा है, तो दैट इज लीनियर एक्सपेंशन। हमने अल्फा की वैल्यू निकाल ली, अब यहां पर हम समझते हैं अल्फा की डेफिनेशन। अब अल्फा फॉर्मूले में 3 चीजें हैं, नंबर 1 चेंज इन लेंथ, नंबर 2 ओरिजिनल लेंथ, नंबर 3 चेंज इन टेंपरेचर। तो जाहिर सी बात है अल्फा के डेफिनेशन में तीनों चीज आएगी ना, ध्यान से पढ़ो। अल्फा डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इंक्रीज इन लेंथ, अल्फा डिफाइंड एज रेशियो ऑफ इंक्रीज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ, ठीक बात। मैंने कहा ना 3 चीजें हैं, अल्फा डिफाइंड एज रेशियो ऑफ इंक्रीज इन लेंथ नंबर 1, 2 द ओरिजिनल लेंथ नंबर 2, पर डिग्री इंक्रीज इन टेंपरेचर, 1 डिग्री इंक्रीज, 2 डिग्री इंक्रीज, 4 डिग्री इंक्रीज, जितनी भी होगी बाकी बात है, बट पर डिग्री इंक्रीज इन द टेंपरेचर। हो गया इजी, बहुत आसान, फिर से देख लो एक बार, अल्फा डिफाइंड एज रेशियो इन इंक्रीज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर। बहुत बढ़िया, अब सिंस चेंज इन लेंथ कितना हुआ, अगर हम चेंज इन लेंथ की बात करें तो ये एल माइनस एल नॉट है, बिल्कुल सही बात है, नहीं है, है ना, जाहिर सी बात है, सिंस चेंज इन लेंथ इज एल माइनस एल नॉट, तो एल माइनस एल नॉट की इस वैल्यू को हम यहां पे रख के देखते हैं। एल माइनस एल नॉट की, एल देखो डेल्टा एल आया हमारे पास, हमने डेल्टा निकाला सिंस
एल माइनस एल नॉट, जितना एल माइनस उसका ओरिजिनल में से एल नॉट इज इक्वल टू इस वैल्यू को हमने रखा है यहाँ पर, तो एल माइनस एल नॉट विल बी इक्वल टू अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। पर यहां से हम एल निकालें, इस वैल्यू को निकालेंगे तो यहां पर क्या होगा, बन जाएगा एल विल बी इक्वल टू अल्फा, इधर चला गया ना एल नॉट, इधर से आएगा प्लस का एल नॉट प्लस अल्फा एल नॉट डेल्टा टी, कॉमन ले ले जरा एल नॉट को, तो क्या बचा वन प्लस अल्फा डेल्टा टी, यही लिख दिया हमने यहां पर। ठीक बात है, ठीक बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहां पर इसको इंपॉर्टेंट लिख देते हैं, बॉक्स में बंद कर लेते हैं, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट चीज होती है उसे कहां रखते हैं बॉक्स में, ठीक है, देखो भाव ना जाए। तो एल जो हमारा फाइनल निकल गया लीनियर एक्सपेंशन का फॉर्मूला कंप्लीट चेंज, विल बी इक्वल टू एल नॉट मतलब ओरिजिनल लेंथ, वन प्लस अल्फा, अल्फा क्या है हमारा लीनियर एक्सपेंशन का कोफिशिएंट प्लस चेंज इन टेम्परेचर। आगे बार समझ में फिर से बता दूं एक बार, अभी अपने हमने देखा दैट एल कंप्लीटली लीनियर एक्सपेंशन विल बी इक्वल टू एल नॉट यानी ओरिजिनल लेंथ, वन प्लस कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इनटू चेंज इन टेम्परेचर, वेरी गुड। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग सरफेस एक्सपेंशन, चलिए इसी पे आगे देखते हैं सुपरफिशियल और एरिया एक्सपेंशन। अभी अभी हमने देखा लीनियर एक्सपेंशन, मैंने बताया किसी भी सॉलिड को जब हम हीट देंगे टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने से अगर लेंथ वाइज इंक्रीमेंट है तो वो लीनियर एक्सपेंशन, और अगर एरिया वाइज एक्सपेंशन है, एरिया वाइज इंक्रीमेंट है तो वो क्या बना सुपरफिशियल और एरिया एक्सपेंशन। क्या डेफिनेशन हुई, व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड एंड इट्स एरिया इंक्रीज्ड, सॉलिड को हीट किया, एनर्जी दी, टेम्परेचर बढ़ा, जो भी हुआ, देन थर्मल एक्सपेंशन इज कॉल्ड एज एरिया एक्सपेंशन। ठीक है, आसान है, बहुत ही क्विक है, बहुत ही सिंपल है। हमने किसी भी सॉलिड को टेम्परेचर बढ़ाया, उसको हीट दी, उसके एरिया में बदलाव जो हुआ उसको बोला हमने एरिया एक्सपेंशन। और हमारे पास एक सॉलिड है ए नॉट, ये सॉलिड है, इसको हीट देंगे डेल्टा टी, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ के एक नया एरिया लेगा, और नया एरिया इस पर डिपेंडेंट होगा दैट न्यू एरिया। इफ वी आर कंसिडरिंग दिस इनिशियल एरिया ऑफ दिस ब्लॉक इज ए नॉट एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर इज डेल्टा टी, तो जो हमारा नया एरिया चेंज इन एरिया आएगा, जो चेंज होगा वो इस इनिशियल एरिया डॉट चेंज इन टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जैसे भी हमने लीनियर में देखा था। मैंने कहा था ना दो चीज पे डिपेंड करेगा, देखो सिंपल सी बात है यार, ये कोई एक एरिया है, ये किस पे डिपेंड करेगा, जितना इसका इनिशियल एरिया है, इसमें जब हम हीट देंगे तो जो नया चेंज इन एरिया होगा वो किन दो चीजों पर डिपेंड करेगा, वो पहली उस चीज पर डिपेंड करेगा कि उसका इनिशियल एरिया है कितना, अगर इनिशियली कम होगा तो चेंज इन भी कम होगा ना भाई, पहले से ही 2/2 का है तो बढ़ के 100/100 का थोड़ी हो जाएगा, और अगर पहले से ही 70/70 का है, 70/70 मीटर स्क्वायर का है तो बढ़ के 75/75 हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है। तो इनिशियल एरिया भी डिपेंड करता है चेंज इन एरिया, और डिपेंड करता है डेल्टा टी पे, यानी कि हम उसे कितना टेम्परेचर दे रहे हैं। ठीक बात है, जैसे ही इस टेम्परेचर के इन दोनों के प्रोपोर्शनैलिटी इंडेक्स को खोलेंगे तो एक नई टर्म निकल गया इस बार, इसको हमने कहा बीटा, और ये बीटा है कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन या सुपरफिशियल एक्सपेंशन। इस बीटा को फॉर्मूला को निकालेंगे तो डेल्टा ए बाई डिवाइड हो गया ए नॉट, ये भी चला गया डिवाइड में 1/t, फिर से इसकी डेफिनेशन, इसकी यूनिट सेम, इससे ये खत्म, 1/t मतलब 1/सेल्सियस, सेल्सियस माइनस 1 और केल्विन माइनस 1, ये बात समझ में आई, बिल्कुल आ गई, वो भी पहले पढ़ाने लिखने में ये भी आ गई, वो इतना डिफिकल्ट नहीं। तो एरिया हीट करने के बाद हमारा जो नया एरिया निकल कर आया, जो चेंज इन एरिया हुआ वो कितना हुआ ए माइनस ए नॉट, इस पूरे ए में से इस ए नॉट को हटा दें तो चेंज इन हो गया ना, अगर ये पूरा ए नॉट है भाई, अगर ये पूरा ए है, इस पूरे ए में से इसको हटा दें तो बचाव आ गया ना डेल्टा ए, सही बात है, डेल्टा ए कैसे निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक बात, अब इस ए माइनस ए नॉट को उठा के चुपचाप यहां रख दो, तो ए माइनस ए नॉट विल बी इक्वल टू बीटा ए नॉट डी टी, ए माइनस ए नॉट इज इक्वल टू बीटा ए नॉट डी टी, तो फाइनल ए कितना आ जाएगा, जाहिर सी बात है ए नॉट विल बी इक्वल टू बीटा ए नॉट डी टी प्लस ए नॉट, ए नॉट कॉमन ले लो जरा फटाफट से, वन प्लस बीटा डी टी,
ये लिख दिया हमने यहाँ पे और लिखा नहीं इसको कहाँ रखना है, फिर से जो इम्पोर्टेंट होता है जिसको हम भूल जाते हैं उसे हम कहाँ रख देते हैं, डब्बे में। डब्बे में क्यों रखते हैं, ताकि वो हमें आगे न्यूमेरिकल्स में काम आए। ठीक है, तो एक फॉर्मूला निकल के आया चेंज इन एरिया का, इनिशियल एरिया ए नॉट, फाइनल एरिया कितना होगा, दिस फाइनल एरिया विल बी इक्वल टू इनिशियल एरिया ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस स्टेप कोफिशिएंट व्हिच इज इक्वल टू डेल्टा ए डिवाइड बाय ए इनटू 1 अपॉन डीटी डॉट डीटी एंड दिस इज अ मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन ऑफ एरिया एक्सपेंशन। एक बार क्विक ले, हमने एरिया वाइज किसी सॉलिड को अज्यूम किया जिसका इनिशियल एरिया है ए नॉट, उसको हीट किया, उसका टेम्परेचर बढ़ाया डीटी, तो डीटी प्लस उसका इनिशियल एरिया दोनों प्रोपोर्शनल किसके हो गए, चेंज इन एरिया के। इसको खोलेंगे तो आएगा एक कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन, उस एक्सपेंशन की हमने डेफिनेशन निकाली, उसकी यूनिट कितनी हुई, दोनों की यूनिट से 1 अपॉन सी और सी की पावर माइनस 1 केल्विन की पावर माइनस 1। हमारा फाइनल एरिया किसके बराबर होगा, दिस चेंज इन एरिया किसके बराबर होगा, पूरा एरिया माइनस ए नॉट, इसको इस फॉर्मूले में रखा तो निकल के आया ये, यहाँ से ए की वैल्यू को इधर ले गए कॉमन ले लिया तो ये। वेरी गुड, अब देखते हैं वॉल्यूम एक्सपेंशन। चलिए इस आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक देख लेते हैं जिसका नाम है वॉल्यूम और क्यूबिकल एक्सपेंशन। देखो हम बिल्कुल समझ चुके हैं कि हम कभी भी किसी भी सॉलिड को हीट करेंगे तो जिस फॉर्म में उसका एक्सपेंशन होगा, लेंथ वाइज हो रहा है तो लीनियर, एरिया वाइज हो रहा है तो एरिया एरिया एक्सपेंशन, वॉल्यूम वाइज होगा तो बोलेंगे क्या, वॉल्यूम या क्यूब को बोलते हैं ना क्यूबिकल, क्योंकि उसके थ्री साइड होते हैं एक्स वाई जेड, तो उसको बोलते हैं क्यूबिकल एक्सपेंशन। व्हेन द सब्सटेंस इज हीटेड एंड इट्स वॉल्यूम गेट इंक्रीज्ड, वह सब्सटेंस है हमने हीट किया उसके वॉल्यूम में बढ़ोतरी हुई, उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट और यू कैन से एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में उसमें कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट हुआ, देन एक्सपेंशन इज कॉल्ड एज वॉल्यूम एक्सपेंशन। फिर से वही बात, अगर इनिशियल वॉल्यूम वी नॉट है, चेंज इन टेम्परेचर टी नॉट है, तो चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा और किस पे डिपेंडेंट करेगा, मैंने बताया ना अगर वॉल्यूम ही 2 मीटर क्यूब है तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, 3 मीटर क्यूब बढ़ के हो जाएगा, 4 मीटर क्यूब बढ़ के हो जाएगा, यानी कि हमारा बढ़ा हुआ वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, चेंज इन टेम्परेचर पे हम उसे कितना टेम्परेचर दे पा रहे हैं इस पे भी तो डिपेंड करता है, हम दे रहे हैं साहब 20 डिग्री सेल्सियस का चेंज तो कैसे बढ़ेगा भाई, नहीं बढ़ पाएगा ना, तो जितना ज्यादा चेंज इन टेम्परेचर, जितना ज्यादा चेंज इन टेम्परेचर उतना ज्यादा चेंज इन वॉल्यूम, जितना ज्यादा इनिशियल वॉल्यूम उतना ज्यादा चेंज इन फाइनल वॉल्यूम। फिर से हमने खोला प्रोपोर्शनलिटी इंडेक्स तो निकल कर आया नए टर्म, इसको बोला गामा, ये गामा कौन है भैया, गामा है हमारे कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, और अगर गामा की डेफिनेशन निकालनी हो तो फिर से इसको ले जाओ डेल्टा वी बाय इनिशियल वी नॉट 1 अपॉन टी, इसकी यूनिट सेम तो यूनिट गायब, 1 अपॉन टी माइनस 1 अपॉन टी मतलब 1 अपॉन सेल्सियस और सेल्सियस माइनस 1 और केल्विन माइनस 1। अब हम इस डेल्टा वी को क्या लिख सकते हैं, चेंज इन वॉल्यूम क्या लिख सकते हैं, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल, ठीक बात है ना भाई, पहले इतना था उसमें से उसको इनिशियल घटा दो निकल के आ जाएगा वी विल बी इक्वल टू गामा वी नॉट डेल्टा टी, इसको इधर ले जाओ तो वी कितना हो गया, कॉमन ले लो वी नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी, बहुत इजी है, जैसे हमने भी बाकी पढ़े सेम वैसे ही। फिर से इंपॉर्टेंट है, बोल सकते हैं तो डब्बे में रख लिया और ये हमारे एक बहुत अच्छे न्यूमेरिकल में आगे काम भी आने वाला है, एनसीईआरटी में इसके बहुत बेसिक से न्यूमेरिकल दे रखे हैं शॉर्ट एग्जांपल में, प्लीज एक न्यूमेरिकल करके देखिए, मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। वेरी गुड, तो आज का पूरे लेक्चर का रिकैप क्या है, हमने पढ़ा थर्मल एक्सपेंशन, जब भी किसी बॉडी को टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसमें एक्सपेंशन होगा, उसको बोला थर्मल एक्सपेंशन, लेंथ वाइज एक्सपेंशन को लीनियर एक्सपेंशन, एरिया वाइज एक्सपेंशन को एरिया एक्सपेंशन, वॉल्यूम वाइज एक्सपेंशन को वॉल्यूम एक्सपेंशन, तीनों के फॉर्मूला नोट करें, और हमने उसको तीनों के फॉर्मूलाज को इंपॉर्टेंट फॉर्म में करके बॉक्स बंद करके रख लिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ यू स्टिल हैव सम क्वेश्चन, इफ यू स्टिल हैव सम डाउट, राइट इन आवर कमेंट सेक्शन और राइट ऑन आवर फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज। हैप्पी लर्निंग।